आईपीएल के 13वें सीजन का आज चौथा डबल हेडर यानी एक दिन में दो मैच खेला जाएगा। पहला मुकाबला दोपहर 3 बजे से दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। लगातार 4 हार से परेशान राजस्थान रॉयल्स को अपने ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की कमी खल रही है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले में उनकी वापसी से टीम को जीत की राह मिलने की उम्मीद। रॉयल्स ने 2 जीत के बाद लगातार 4 मैचों में पराजय का सामना किया है, वहीं सनराइजर्स ने 6 में 3 मैचों में जीत के वह 5वें स्थान पर हैं। स्टोक्स का क्वारंटाइन शनिवार को पूरा हो गया। उनकी गैर मौजूदगी में टीम का संतुलन बिगड़ा है और अभी तक सही संयोजन नहीं मिल सका है। अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान स्टोक्स बीच में ही न्यूजीलैंड चले गए थे, जहां उनके पिता का कैंसर का इलाज चल रहा है। दिल्ली के खिलाफ शुक्रवार को हुए मैच में रॉयल्स की ओर से यशस्वी जायसवाल और राहुल तेवतिया को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चला। जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर पाए। सैमसन और स्मिथ पहले 2 मैचों के बाद बल्ले से कमाल नहीं कर सके। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, तेवतिया और श्रेयस गोपाल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं अगर बात करें सनराइजर्स की तो वे लय में आ चुके हैं। दूसरी और सनराइजर्स ने लगातार पराजय के बाद सलामी बल्लेबाज जॉनी बेस्ट्रो और स्पिनर राशिद खान की उम्दा प्रदर्शन से किंग्स इलेवन पंजाब को 3 विकेट से हराया। सनराइजर्स के लिए पंजाब के खिलाफ बेस्ट्रो ने 55 गेंद पर 97 रन लगाए। उन्होंने दिल्ली और बेंगलोर के खिलाफ भी अच्छी पारी खेली, अब तक 227 रन बना चुके हैं। डेविड वार्नर अपना अच्छा फॉर्म कायम रखना चाहेंगे, जिन्होंने पिछले मैच में 40 गेंद पर 52 रन बनाए थे। मनीष पांडे और केन विलियमसन पूरी तरह से सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं। प्रियम गर्ग, अब्दुल समद और अभिषेक शर्मा ने भी प्रभावित किया है। गेंदबाजी में राशिद खान और यॉर्कर विशेषज्ञ टी नटराजन ने उम्दा प्रदर्शन किया है। अगर संभावित एकादश की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, स्टीवन स्मिथ जो कि कप्तान है, बेन स्टोक्स, महिपाल लमरोर, राहुल तेवतिया, श्रेयस गोपाल, जोफ्रा आर्चर, वरुण एरोन और कार्तिक त्यागी खेल सकते हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के एकादश की बात करें तो डेविड वार्नर, जॉनी वेस्टो, मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, राशिद खान और टी नटराजन, खलील अहमद और संदीप शर्मा टीम में हो सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि यह मैच को कौन जीतता है और अपने पॉइंट्स टेबल में 2 अंक जोड़ता है। रोशन भूमियार की रिपोर्ट, नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स।